السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاه والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى اخر الايه महतरम नाजरीन यकीन अल्लाह तबार को ताल का बेपाया फ़ल्ल करम है उसका एहसान व इम्तिनान है कि उसने मुझे और आपको हमारी ज़िंदगी में फिर से एक मरतबा ये बाबरकत महीना ये रहमतों वाला महीना ये बख्शिशों वाला महीना ये शतों वाला महीना नसीब फ़रमाया फ़ली तारिकीन हज़रा जैसे रमज़ान की आमद होती है दो मुख्तलिफ़ फ़रिश्ते ऐलान करते हैं या बाैर अकबिल कहता है और एक दूसरा फरिश्ता या बाग़ शर अक्सर कहता है ये गैबी निदा को सुनकर नेकियों में आगे बढ़ने वाले या नेकियों में आगे बढ़ने का जज्बा रखने वाले माशा फ्राइज के साथ साथ नवाफिल का भी खूब एहतमाम करते हैं वैसे ही व या बा शर अक्सर की नदा गैबी को सुनकर बुराइयों में अपनी जिंदगी बसर करने वाले बेनमाजी लोग नमाजों के पाबंद बन जाते हैं और अपने गुनाहों को छोड़ कर माशा में अपनी ज़िंदगी बसर करते हुए नजर आते हैं हजरात यकीनन बा दिकर अगर मैं कहूँ तो शायद मुबाल ना होगा बेजा ना होगा ये महीना यह हमारे लिए अल्लाह तबारक की जानिब से यह कुदरत की जानिब से एक ट्रेनिंग कैंप है एक ट्रेनिंग कोर्स है एक कोचिंग सेंटर है ये तरबियत का महीना है ये मेरे और आपकी असलाह का महीना है यकीनन हजरात कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतना बाबरकत महीना पाने के बावजूद भी या मेरे और आपकी असलाह का यह बेहतरीन सुनहरा मौका पाने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे भी हैं अपने आप की असलाह नहीं करते अपनी आप की तरबियत नहीं करते बड़े बदनसीब हैं बड़े महरूम हैं मैं आज के इस दरस में आपके सामने उन्हीं महरूम लोगों के बारे में उन्हीं बदनसीब लोगों के बारे में कुछ बातें रखना चाहूँगा हज़रत माह रमज़ान का पहला बदनसीब आदमी वो है जो रमज़ान का महीना पाता तो है लेकिन अपनी गुनाहों की बख्शिश ना करवा सकता हजरत जो आदमी रमज़ान का महीना पाने के बावजूद बावजूद भी अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सके ये आदमी पैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी मलओन है एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसलम पर तशरीफ ले जा रहे हैं तीन सीढ़ियों पर चढ़कर तीनों मरतबा आप सल्हम ने आमीन कहा और खिलाफ आदत चीज़ देकर सहाबिक राम रजौान मजमईन को तजुब हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबराम ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है आपने मामूल से हटकर काम किया आपको हमने कभी इससे पहले मेंबर पर चढ़ते हुए आमीन कहते हुए नहीं देखा था तो पैर नबी अलैहि वसल्लम ने जो तीनों जवाब दिए उनमें से एक जवाब यह था पैर नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास जब्राइल आए थे जब्रैल ने आकर मुझसे कहा अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आदमी रमज़ान का महीना पाए लेकिन अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सके वह आदमी अल्लाह तबार व तआला की जन्नत से दूर हो जाए वह आदमी अल्लाह तबार व तआला की रहमत से दूर हो जाए ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ तरक् से और मुख्तलिफ मनों के साथ मुख्तलिफ अल्फाज की तब्दीली के साथ ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है बयान की गई है हजरत तकी आप ज़रा गौर करें रमजान का जो महीना है इसमें जो इबादतें बयान की गई हैं इन इबादतों का जो बुनियादी मकसद ही, ही बयान किया गया नबी अलैहि वसल्लम ने रोज़ों का ज़िक्र करके कहा मनसाम रमजान ईमान गफ़िर तदम अमिन जम्भी जो आदमी ईमान की हालत में शवाब हासिल करने से, से, के इरादे से नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है अल्लाह तबारा उसके सबक़ा ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ करता है इसी तरह तरावे के बारे में लैल के बारे में तहज्जुद की नमाज़ के बारे में पेर नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काम रमज़ान ईमान व एहतिसबन गफ़ी मिन जम्भी जो आदमी रमज़ान में ईमान की हालत में सवाब हासिल करने की नीयत से क़याम करता है अल्लाह तबार व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ करता है और जब आखिरी आशरे के हवाले से सल्लल्लाहु नबी वसल्लम ने क़द्र के तालुक से फ़रमाया मनखामा ललतुलदरी ईमानातसाबन गफ़ी तकदमिन जम्भी जो आदमी ईमान की हालत में सवाब हासिल करने की नीयत से ललक़द्र में क़ियाम करता है अल्लाह तबारक व तआला तो उसके पिछले गुनाहों को माफ़ करता है और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अल्लाह तबारक तआला ने आले इमरान के अंदर अपने ख़ास बंदों की सिफात बयान करते हुए कहा सबरीना वकीन वल्कानतियाना वलमनफ़ीना बिल अस्हार यकीनन सच बोलने वाले सब्र करने वाले नेकियों में आगे बढ़ने वाले इबादत गुजार और अल्लाह के राह में खर्च करने वाले शहरी के मौके पर सुबह के वक्त इसतार करने वाले या अल्लाह तबारक को तैयार की नजर में बड़े महबूब हैं तो हजरत यकीन आप जरा गौर करें देखें जायजा लें रमजान मुबारक की जो भी इबादतें हैं इबादतों का जो बुनियादी मकसद बयान किया गया है वो मगफरत है वो बख्शिश का हसूल है हजरत इसी तरह दूसरा बड़ा महरूम आदमी बदनसीब आदमी वो है रमजान में रोज़ा तो रखता है लेकिन रोज़ों के तहावों को पूरा नहीं करता मसलन आदमी रोज़ा रखा हुआ है लेकिन नमाजों की पाबंदी नहीं कर रहा है पैर नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया रवि हदीस हजरत अबू हुरेरा रसी तुं यह हदीस इबन माजा के अंदर मौजूद है पैर नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कमिन स्वाइमिन सिया इल्ला इल्ला कितने ऐसे रोज़ेदार हैं जिन्हें अपने रोज़े से सिर्फ़ भूख के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता और इसी तरह पैर नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया व कम मिन मिन लैस लहू क़ियामिही इल्ला सा कितने ऐसे क़ियाम करने वाले हैं कितने ऐसी तरावी की नमाज़ पढ़ने वाले हैं जिन्हें शब बेदारी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता था गोया मतलब रोजा वो रोज़ा भी रख रहे हैं वो तरावी की नमाज़ भी पढ़ रहे हैं लेकिन जैसा रोज़ा रखना वैसा नहीं रख रहे हैं रोज़े के तहाज़ों को पूरा नहीं कर रहे हैं ख़्याम के तहाज़ों को पूरा नहीं कर रहे हैं हज़रा इधर रोज़ा भी रख रहा है रोज़ा रख कर नमाज़ों को छोड़ रहा है पैर नबी अलैहि वसल्लम की इस हदीस को कोलमा कराम ने इस हदीस के ज़रिए से एक मतलब ये भी निकाला है जो बेनमाज़ी होगा उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा जो आदमी रोज़ों के तहाज़ों को पूरा नहीं करता उसे कम आ रोज़े का अजर सवाब नहीं मिलता इसी तरह ये आदमी जो रोज़ा रखने के बावजूद भी महरूम है बदनसीब है इसी तरह तीसरा आदमी जो वाकई उन्हें भी रोज़ा रख रहा है रोज़ा रखने के बावजूद उन्हें भी वो बदनसीब आदमी भी रोजे का कम हाँ, अजर सवाब हासिल नहीं कर रहा पैर नबी सल्ला वसलम ने फरमाया जब तुम में से कोई आदमी जब तुम में से कोई आदमी शहरी करे रोजे की हालत में हो उसे चाहिए कि वो रफस ना करे गंदी बात ना कहे गाली गलोज ना करे लड़ाई झगड़ा ना करे अगर कोई आदमी गाली देता है अगर कोई आदमी लड़ाई करता है तुम्हारे से फल इन्नी स्वा इम उसे चाहिए कि वो जवाब दें मैं रोज़े से हूँ हजरत इस हदीस के हवाले से दो तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा पहली बात इस हदीस में नबी करीम अलैहि वसल्लम ने वही बात दोहराई जो दूसरे बदनसीब आदमी के हवाले से मैंने आपके सामने रखी थी इन अदर अगर कोई आदमी रोज़ा रखा हुआ है लेकिन रोज़ा रखने के बावजूद रोज़ों के तहाज़ों को पूरा नहीं कर रहा लड़ाई झगड़ा कर रहा गाली गलोच कर रहा अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं कर रहा तो ऐसा आदमी रोजा रखने के बावजूद भी कमह को सवाब का मुस्तक नहीं हो सकता हजरत हजरात कहा करते थे रोज़ा सिर्फ़ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि आदमी जब रोजा रखता है उसकी आंख भी रोज़ा होना चाहिए उसके हाथ का भी रोज़ा होना चाहिए उसके पैर का भी रोज़ा होना चाहिए और उसके ख्याल का भी रोज़ा होना चाहिए क्या मतलब इसका इसका मतलब ये है हम अपनी आँखों से वही चीज़ देखें जो हलाल हो जो जायज़ हो हम अपनी ज़बान से वही बात कहें जो दुरुस्त हो जायज़ हो और हम अपने जहन में वही ख्याल को लाएँ जो ख्याल जायज़ हों हम अपने हाथ से वही चीज़ को पकड़ें जो जायज़ हों और हम वही चल कर जाएँ जहाँ चल कर जाना जायज़ हो अगर कोई आदमी रोज़ा रख रहा है लेकिन रफस कर रहा है अहले अहिल कहते हैं रफस मुराद क्या है रफस उस चीज़ को कहते हैं जिसके जिन बातों के ज़रिए से आदमी के अंदर नफसानी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं बढ़ती हैं इन बातों को रफस कहा जाता है यानी सेक्सुअलिटी जिसके ज़रिए से प्रमोट होती हो ऐसी चीज़ को रफस कहा जाता है आज मिसाल के तौर पर कितने ऐसे लोग हैं रोज़ा रख रहे हैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल में सोशल मीडिया देख रहे हैं और अपने जो रोज़ा रख कर भी ऐसे कई चीज़ें देख रहे हैं जिसकी वजह से रोज़ा टूटने का बिल्कुल अंदेशा होता है हजरात हम रोज़ा रखने के बावजूद ऐसे रफस चीज़ों से बाज रहें लड़ाई झगड़े से बाज रहें और गाली गलोच से बाज रहें अहले अहिल ने एक नुक्ता बयान किया है नुकता यह है अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हजरत में कहा जो आदमी गिबत करता है तो उस गिबत करने वाले को कहा गोया उसने अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने के बराबर है गिबत करना अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने के बराबर है तो गोया आदमी अगर रोज़ा रखा हुआ है रोज़ा रखकर अगर कोई आदमी गीबत करता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है क्योंकि उन्हें गायबाना तौर पर मानवी तौर पर हिस्सी तौर पर अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा है गोश्त खाकर अपना रोज़ा तोड़ रहा है तो हज़रा यकीन ये कुछ बदनसीब लोग हैं ज़रा सोचें हम और आप अपना जायज़ा लें कहीं हमारा शुमार तो इनमें नहीं हो रहा है हम रोज़ा रखें अपने जो रोज़े रखने के बाद रमज़ान का महीना पाने के बाद खूब अल्लाह तब व तआला से अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं शहरी कूटते हम शहरी घुटने के बाद हम दुआएं करें उनमें खसूसी तौर पर अस्त फिरुल्ल् अस्त बार बार पढ़ते रहें इसत की जो दुआएं बयान की गई हैं उन दुआओं का अहमाम करें इसी तरह रोज़ा रखने के बाद रोज़ों के जो जहाज़ें हैं उन तज़ों को पूरा करने की कोशिश करें लड़ाई झगड़ा ना करें और जिन चीज़ों के ज़रिए से रोज़ा टूटने का खदशा हो अंदेशा हो ऐसी चीज़ों से बाज रहें अल्लाह तबारक को तला से दुआ है बार तार हम सबको सही मानों में रमज़ान मुबारक से भरपूर फ़ायदा उठाने की तोफ़ी हनायत फरमाएँ और अल्लाह तबार तंदुरुस्ती के साथ सेहतमंदी के साथ रमजान का मुकम्मल महीना पाकर इसमें अपनी अपने आप को जन्नत का मुस्तक बनाने की तोफ़ी इनायत फरमाए और अल्लाह तबारक की रजामी रजामंदी को हासिल करने की तोफी इनायत फरमाए अमीन सुन वाहिरबीआलम वरह व